ट्राइटॉन में टैक्स नहीं है, फिर भी बॉटम बॉटम में भी मेरे पास नहीं है कोई टैक्स, इसलिए मैं फिलहाल डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। एंड लेफ्ट मार्जिन, यस वी हैव, तो मैं लेफ्ट मार्जिन के साथ चलूंगा, तो देखिएगा जैसे मैं रिफ्रेश करूँ लेफ्ट से थोड़ा जल हुआ, यस तो मैं इसे 100 करता हूँ, 100 टॉप 100, यस वर्किंग। तो ये मेरे पास मार्जिन, अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल तो हम कर सकते हैं, सिल्वर की जगह मैं एक और वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, हेक्स हेक्साड FFCCFF, ये हेक्साडेसिमल कलर से इसका चार्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वरना अगर आप फोटोशॉप पढ़ेंगे हम आगे देखेंगे या फोटोशॉप यूज कर रहे तो उसमें हेक्साडेसिमल कलर आपको मिल जाते हैं। यस चेंज सीसी लिटिल बिट चेंज 10 सीसी ए चेंज। अब बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे, इमेज लगाना चाहे बैकग्राउंड के अंदर तो कैसे लगा सकते हैं, सिंपली बैकग्राउंड इक्वल्स डबल क्रोशे ओपन डबल क्रोशे क्लोज। अब ये इमेज कहाँ रखी है, ये इमेज रखी हुई है हमारे पास जहां हमारी फाइल है, वहां एक फोल्डर इमेजेस, इस इमेजेस के फोल्डर में हमारे पास दो फाइल्स रखी है, बैकग्राउंड एंड पैटर्न, पैटर्न इज पीएनजी एंड बैकग्राउंड इज जेपीजी, इस तरह से इसका नाम है, जो एक्सटेंशन है वही यूज करेंगे। मैं लगाता हूं बैकग्राउंड जो फाइल का नाम है डॉट जेपीजी और आता हूं, रिजल्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने फाइल नेम तो बताया लेकिन फाइल की डायरेक्टरी नहीं बताया, तो इमेजेस और स्लैश अब ये डायरेक्टरी बता दी। हम यहां से क्या करते हैं, डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, यहां से हम क्या करें बैकग्राउंड कॉपी कर रहे हैं और नोटपैड में आकर क्या करते हैं पैराग्राफ में हम लिख देते हैं टेक्स्ट, पेस्ट कर दिया, मैं एक और पैराग्राफ पेस्ट कर रहा हूं और इसको क्लोज कर रहा हूं, कंट्रोल एस सेव। देखिए हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया, दोनों साइडों से मार्जिन भी आया, तो इस मार्जिन को सबसे पहले हम बॉडी में आकर क्या करेंगे जीरो, क्योंकि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसका जो मार्जिन होता है वो जीरो होता है। देखिए जीरो, अच्छा जी, तो अब हमारे पास यहां पर है पैराग्राफ और पैराग्राफ हमने दो पैराग्राफ बनाए, ओपन क्लोज ओपन एंड क्लोज, ये हम लेकर आए लॉरेम इप्सम से। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी किया और पेस्ट कर लिया, तो देखिए यहां हमारा पैराग्राफ आ गया। अब अगर देखा जाए तो पैराग्राफ इन जगहों से इक्वल
डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, जबकि यहां से बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां हम पैराग्राफ के अंदर एक टैग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्पेस देंगे और यूज करेंगे अलाइन इक्वल जस्टिफाई। हमारे पास चार किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं अलाइनमेंट के। पहला जस्टिफाई, देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक, दूसरा नहीं हुआ क्योंकि हमने नीचे पैराग्राफ है उसको नहीं लगाया था। जितने मरतबा हम पैराग्राफ यूज करेंगे उतने ही एट्रीब्यूट्स और उतनी प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे। जस्टिफाई यस, दोनों हो गए। अगर मैं ऊपर वाले की अलाइनमेंट चेंज करूं तो सेंटर करता हूं तो देखिए ये सेंटर हो गया और नीचे वाला जस्टिफाई। ऊपर वाला ही पैराग्राफ की मैं अलाइनमेंट करूं लेफ्ट, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट भी होती है, और अगर मैं इसके अलाइनमेंट करूं राइट तो राइट अलाइनमेंट लेफ्ट है अनइक्वल। और इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम यूज करेंगे जस्टिफाई। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। इस दो पैराग्राफ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, तो ये जो टैग यूज कर रहा हूं ये ओपन होता है पर क्लोज नहीं होता। जब भी क्लोज नहीं होता तो आपको मालूम है कि ये कौन सा टैग है, ये है अनपेयर टैग, जिसको ओपन तो है लेकिन क्लोज नहीं है। एचआर हॉरिजॉन्टल, वाव, एक देखिए ग्रे लाइन आपके पास आ गई। ये क्या हुआ, हमने एचआर यूज की। अब एचआर की भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब एचआर की भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो कौन से हैं? सबसे पहले विड्थ 500, चेक चेक 500 विड्थ, द साइज विड्थ बाय स्मॉल, कैन वी चेंज कलर, यस कलर राइट यस। उसके बाद हम यहां यूज करेंगे इसकी थिकनेस साइज, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी हुई? H6, उससे बड़ी H5, H4, 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस के हेडिंग्स है जिसको हम डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो हमने आज जो देखा, सबसे पहले बॉडी, बैकग्राउंड कलर, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड बैकग्राउंड इमेज, देन हेडिंग्स, पैराग्राफ, पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स अलाइनमेंट्स, अलाइन, एचआर हॉरिजॉन्टल लाइन, विड्थ कलर साइज। होप आपको समझ आया होगा। तो
मजीद सीखने के लिए आप कनेक्ट रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल प्रेस द बेल आइकन एंड कंटिन्यू।